गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास, मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। तो ध्यान दें, इन द फॉलोइंग एपीस फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। मतलब कुछ अपन को एपी दिया हुआ है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया हुआ है, जिसमें से कुछ कुछ टर्म कैसी है एब्सेंट है, वो अपन को क्या करना है फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट है 2, box, 26, सेकेंड है box, 13, box, 3। ठीक है, तो इसमें अपन को इन बॉक्स को क्या करना है फिलअप करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दें, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, box और 26। ठीक है, मैं आप लोगों को जनरल फॉर्म ऑफ एपी बता चुका हूं, तो ध्यान दें क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ a+1d और a+2d। ठीक है, अपन थ्री टर्म तक गए क्योंकि ओनली थ्री टर्म दी थी इस एपी में। तो द वैल्यू ऑफ a इज 2, कंपेयर करेंगे तो, और द वैल्यू ऑफ इसके तो कुछ नहीं है, इसका कितना होगा a+2d = 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है 2, वो कहाँ पर पुट अप कर देंगे सेकंड में, तो यहाँ a के प्लेस पर क्या आ जाएगा 2d = 26। सो 2d = 26 - 2, सो 2d = 24, सो d = 24/2, मतलब 12। द वैल्यू ऑफ डी इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 2। ठीक है, अब और मिसिंग टर्म क्या है a+1d, इसको अपन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a+1d = द वैल्यू ऑफ ए इज 2+1 × द वैल्यू ऑफ डी इज 12। 12 × 12 + 2, 12 × 2 कितना हो गया 14। तो अपना आंसर जो है वो क्या आएगा 14, और इसको अपन यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो आंसर में आप इस टाइप से लिख सकते हैं, या पूरा आंसर लिख के बॉक्स में 14 फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इसको मैं रफ करूँगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये फिलअप करने आ सकता है एग्जाम में, हिंदी ब्लैंक्स में। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है box, 13, box, 3। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी अपन जानते ही हैं क्या होता है, a a+1d a+2d और a+3d। ठीक है, अब अपन कंपेयर करेंगे, तो ए का तो कंपैरिजन कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ खाली बॉक्स है, इसका होगा तो क्या आएगा a+1d = 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a+2d भी खाली है, a+3d = 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं आप लोगों के लिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड बताई थी मैंने, उससे इसको अपन क्या कर देंगे सॉल्व। तो इसके कोएफिशिएंट सी में डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे माइनस, तो साइन चेंज होगा, ए से ए कैंसिल, -2d = 10, सो d = 10/-2, मतलब 2, 5 + 10, द वैल्यू ऑफ d इज -5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट अप कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में ऑन पुट अप कर देंगे तो क्या आएगा a+1 × 5 = 13, सो a − 5 = 13, सो a = 13 + 5, मतलब a = कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो a = 1 को फाइंड करना था, तो फर्स्ट बॉक्स में क्या फिलअप हो जाएगा 18। ठीक है, अब कौन सा बॉक्स बचा a+2d वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे सो a+2d = द वैल्यू ऑफ a इज 18 + 2 × द वैल्यू ऑफ d इज -5। तो 18 एज इट इज 5 × 2 = 10, 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आएगा 8, तो इसमें क्या फिलअप हो जाएगा 8। तो ये अपने बॉक्स फिलअप हो चुके हैं, मिसिंग बॉक्सेस जो थे वो अपन ने फिलअप कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ क्वेश्चन और हैं जो आप प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।